हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर स्पेशल व्लॉग है ये कि हमें टी टाइम में भूख लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए और सोचा कुछ बर्गर बना के दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि रिफ्रेशमेंट के टाइम में आप आराम से खा सकते हैं। अगर आपको रात को भी भूख लग गई और मैं अकेली होती हूँ तो मुझे सब कुछ मंगवा के रखना पड़ता है। खैर अम्मी गई हुई है, बहुत अजीब सा लग रहा है, वही बात है। हालांकि एक वो नहीं, अम्मी क्या करती हैं, बैठी होती हैं, कुछ कर लिया, मैं बच्चों को देख लिया वो, लेकिन जब अम्मी नहीं हो जाए तो ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है। बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं, सफान उस्मान मैं और भाभी अकेले हैं, तो आज ना भाभी और मैं कुछ खाना वाना नहीं बना रहे। सो आज हम लोग नहारी, जाहिद की नहारी मंगवाई थी वो उन लोगों ने, तो वो ज़्यादा पैक आ गए थे टीन पैक के, तो पापा ने कहा था एक तुम लोग घर पर रख लो, तो आज हम लोग वो खोल के खाएंगे। खैर आज हमारे काम की छुट्टी है। खैर अभी मैंने सोचा चलो हम टी टाइम ही खाकर कुछ स्पेशल का वो कर लेते हैं। कल भी हमने सैंडविच बनाया था तो कल इतना टाइम नहीं था बच्चों के साथ, मैं हाथ सो रहा, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ आप लोग को पता टाइम नहीं मिलता, बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आइए किचन की तरफ चलते हैं आप लोगों को लेके, और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास और कौन सा मैं बर्गर पेटी यूज़ करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। खैर बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सफ़ान आने वाला है मेरा बेटा, उसके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खा लेता है, कुछ अलग सा बनाओ ना वो खा लेता है। अब देखो मेरा बेटा आने वाला है सारा, भी मैं खुद गई थी बाहर सामान लेने क्या बर्गर पेटी, तो आपको पता है मैं उसे ला कर रखता हूँ, ये नॉनीपॉप लेकर आई हूँ मैं, यहाँ स्टेशनरी की दुकान है वहाँ गई थी मैं कुछ चीज़ें लेने, भाभी के लिए भी लाई हूँ मैं, मेरे बेटा बोल के गया था उसको मैरिंडा पीनी है सफ़ान, तो उसके लिए मैरिंडा लेकर आई हूँ। सो आइए चलते हैं, निकालते हैं बर्गर पेटी। खैर बर्गर पेटी थोड़ा बाद में निकाल लें, ये रखी हुई बर्गर पेटी और नगेट्स भी हैं, क्योंकि वो मैं मंगा के रखती हूँ तो घर पर अभी मैं हूँ, तो मैंने कहा सब बसात मिल के खा लेंगे, अच्छा ख़त्म हो जाएगी वरना ऐसी कैसी पड़ी हूँ। तो चलो हम पहले गोभी का वो बनाते हैं कोर्सलो बना के दिखाती हूँ। मैंने गई थी देखो मायोनीज खत्म हुआ हुआ, ये दोनों मैंने बोली मायोनीज थानी और लाने के लिए मेरे साथ भाई नहीं थे तो हम लोग परवालों से मांग लिया मायोनीज, और भाभी बोली कोई मांगने की चीज़ है मन, मैंने कहा तो क्या हो गया जब कोई है नहीं तो ओके। ये रहे हमारे पास बर्गर, ठीक है ये बर्गर ये ऐसे रहता है, ये भी 100 रुपये का, कुछ ना महंगा नहीं है ना कोई चीज़ें डाली, मूँगफलियाँ झूँगफलियाँ लाए थे खाई है नहीं। यह बस बर्गर पेटी है और हमने निकाल दिया स्लाइस है, और पीछे भाभी हैं यही गोभी, अब हम कर सकते हैं मैं दिखाती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, ये बर्गर पेटी है, ये नगेट्स हैं, हमारा टी टाइम चलेगा और शेक भी बनाएंगे मैं, आज आपको अपना शेक बनाना भी सिखाऊंगी, और ये मेयोनीज है, ये गार्लिक सॉस है, गार्लिक केचप है, ये टोमेटो वो केचप है, ठीक है ये हमारे पास बना आ गए, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर वालों ने मेयोनीज दिया है कटोरी में, चलो तो मुझे बता देगा, चलो हम ये गोभी को क्रश करते हैं। क्या करे हो रे, बस अब दुआ करें इसका मैं कोर्सलो बनाऊंगी, और कोर्सलो बनाना भी आपको बताऊंगी। और ये बर्गर अच्छे होते हैं काफ़ी, अगर आप इनको अच्छे से सेको ना, मतलब क्रिस्पी फ्राई करो तो अच्छा लगता है, जिंगर पेटी भी मिलती है। और हाँ ये बर्गर पेटी है मून सलवा की, आप लोग भी बोले आपने बताया नहीं कौन सा था, नाम बताया फिर मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें सब के सिरम का नाम मैंने आप लोग को बता दिया, इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद आगे देखा करें कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। और क्योंकि सबके मैसेज आते हैं, व्लॉग बनाने का मतलब ये होता है डिटेल्स, मैं आपको सारी डिटेल्स दे देती हूँ, फिर सबके में बस इतने मैसेज आते हैं आपने ये नहीं बताया, आपने कंडीशनर का नाम नहीं बताया, आपने सिरम का नाम नहीं बताया, मैंने सब बता दिया, स्क्रीन शॉट ले लो और दिखा दो मार्केट वाले को। उनका वेट कर रहे हैं, सफान आए नहीं इतने, हम अपनी चीज़ खा लेते हैं फिर हम आपको किचन में मिलते हैं, बाय। सीज़र अम्मी ना उम्र पे लगेंगे छोटी वाली, मेरी भी और भाभी की भी, पाकिस्तानी लोग, तो हम बस दो बनाएंगे ठीक है, क्योंकि अपना नहीं खाने हैं वो भी मैं आप लोगों को नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा बड़े बनी हुई है। बर्गर पेटीज एंड हम यहाँ पे 5-6 नगेट्स भी फ्राई कर लेंगे, और बनाना शेक और बनाएंगे हम,
ऑयल को हम तेज़ गरम कर लेंगे। दैन ज़रा मैं तेल वाले कामों से बहुत बचती हूँ रे ठाकुर। हमारे बर्गर डीप फ्राई करिएगा। डिफ्रीजर में थे ना तो थोड़ा से वो हो रहा है। इसके बाद मैं आप लोग को कॉस्टो बनाने का तरीका बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। फेंट लेंगे ये, हम इसमें टिश्यू पेपर रख देंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे देखो वेस्ट होगा, सब चीज़ अब महंगी हो चुकी है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसको हमें बिल्कुल ना अच्छा सा क्रिस्पी सा सेकना है। देख रहे हो अंदर से एक जगह से नहीं सिखाई अभी, ये हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन हम जो और अच्छा से सेकना है इसको। तेज़ आंच पे चूल्हा करके, फिर आंच आप हल्की भी कर सकते हैं, आप आंच हल्की कर लिएगा फिर, ताकि अंदर से ना ठंडा ना रहे, अंदर से पूरा सिक जाए अच्छा सा। इसी डार्क हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं होंगे। मोबाइल सेट कर लिया और मैं आप लोगों को दिख रही होंगी, ठीक है। अब हम लेंगे म्यूनिस, म्यूनिस को हम फॉक की मदद से बीट करेंगे। ये प्लेन म्यूनिस है, ठीक है। ब्लैक पेपर ज़्यादा नहीं, नॉर्मल डालिएगा। चाइनीज सॉल्ट एक चुटकी, ओके। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, तो हमारे नगेट्स रेडी हो रहे हैं और मैं इसको देख चुकी हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे ताकि टेस्ट, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जो ना रोशनी कम आ रही है, बट कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से फॉक्स की मदद से फेंट लेंगे, ठीक है। आपके घर कोई भी आ जाए अचानक, अगर आपके पास मूसा नाव के पैकेट्स पड़े हुए हैं तो आप जल्दी से, अगर शाम में आ जाए कोई अच्छा सा फ्रेशमेंट करना हो तो आप ये सब कुछ कर सकती हैं। पीछे भाभी हंस रही हैं। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न कैबेज, ये हमने इसमें डाली, अपने लिहाज से डाल लिएगा, ये वाला काम अपने लिहाज से कर लेगा, ठीक है। अरे वो देखना जल्द आ जाए, थोड़ी छोड़ो। पीछे भाभी खड़ी हुई है, पूरी स्क्रीन ले रही है यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए। हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि सफान के बर्गर में हम कॉस्टो नहीं जी। सो ऑलमोस्ट डन है, भाभी यहाँ आटा गूंद रही है। सालन तो नहीं बनेगा, बस भाई के लिए रोटियाँ बनेंगे, और मौसिन में है और मरतूनस के लिए हम बाहर से आ जाएंगे होटल से, ठीक है। ये हमारा कॉस्टो बन गया है, आप लोग देख रहे होंगे ये बर्गर। अभी भी हमारा एक्स्ट्रा सब चीज़ें हटा देंगे, नमक वमक सब हटा चुके हैं हम, और ये हमारी बर्गर पेटी आ गई। ऑलमोस्ट ये हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, ये हमारे नगेट्स भी रेडी है, क्योंकि क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, वो हल्के से वो होते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में, फिर अजीब से लगते हैं। सफान के आने का टाइम होने वाला, सफान को हम सरप्राइज़ देते हैं। ये हमारे बर्गर आ चुके हैं, हम पहले इसमें मेयोनीज़ लगाएंगे, दिखाती हूँ। मैं आपको सिर्फ एक बर्गर बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि एक सफान को उसमें सिर्फ पेटी डालूंगी बस, सफान को और कुछ नहीं डालूंगी, ठीक है। आप लोग के पास कैचअप है वो यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक ही बर्गर बना के खिलाऊंगी, सफान नहीं खाता इतना। वाह क्या सीन है, ये दोनों हमने मिक्स कर लिए, हमने इसमें रख दी जली हुई बर्गर पेटी, हमने इसमें डाल दी कॉस्टलो। मर्जी है, आप एक कॉस्टलो बनाना है बना लो, अगर इसके नहीं बनाते तो और ज़्यादा ही फीके हो जाते हैं थोड़े, तो कुछ दाल वाल लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये हम हाथ से भी खा सकते हैं,
क्योंकि वो भी वो बचाएगा ना, वो थोड़ा ही खाएगा, नगेट्स ही खाएगा। सही है। ये ऑलमोस्ट रेडी है और इसके ऊपर हम हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, हम इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। ठीक है, लिटिल बिट ब्लैक पेपर, इट्स ऑलमोस्ट डन। ठीक है, मैंने ना इसमें इसलिए लगाई है कि अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा प्लेन केचप डाल देंगे, बसड़ बसड़। अरे क्यों भाभी तुम आ रही हो, सबसे काम खराब होगा। नहीं है तभी से लगा रही हो भाभी तुम। चलो ये उल्टा बर्गर बनाया हमने, आके देख लेंगे। लो भाई प्रैंक हो गया। अरे भैया, अरे बाबू, चलो सफान के नसीब में था। कैमरे में हटा दो, वो नहीं खाएगा। नहीं इतना नहीं खा लेता, कल भी खिला दिया था मैंने उसको सैंडविच। ये आप लोग देख रहे हैं, देखा था आप लोगों ने कितना खतरनाक प्रैंक हो गया। मैं बोलूँ ना पिचका वो बर्गर क्यों है भाई, बात उठ गया। ये देखे, ये हमारा बर्गर रेडी है, अब हम इसको कट करने आते हैं। वो देखे सफान ना केचप लगा हुआ था, वो नहीं खाएगा, खा लेगा वो अपनी जानी के हाथ से सब खा लेता है, यही तो मसला है। ये हम बर्गर वाले की तरह ही पकड़ रहे हैं। छुरी में धार नहीं है यार, बहुत सॉफ्ट बर्गर। एक बात बोलने वाली थी मैंने, बोली ठीक है, ये होगा बर्गर रेडी। चलो अब सफान का गसल बसल बना, देख रहे हैं सफान का कुछ भी नहीं है, सफान मैंने तो खा लेता ना थोड़ा सा। नहीं ये वाला नहीं खाता, रहने दो, सूखा सूखा क्या बोलेगा, वो वाला खाना है, वो बड़ा है, कल सैंडविच बनाया ना उसका, हमने अपनी चटनी वटनी डाली। कौन है ये लोग, कहां से आते? अब हम लोग शेक बना रहे हैं, बनाना शेक। सो अब हम निकालते हैं बनानास, ठीक है, और भाभी फ्रेश ट्री में है, फ्रेश ट्री या उसमें देखो, उसमें किसमें, हाँ ये हमारे पास है फ्रेश क्रीम। सो अब बनाते हैं, लिया है दूध, मैं कच्चे दूध का जूस बनाती हूँ, मुझे मज़ा अच्छा नहीं लगता भाई, हर किसी की अपनी चॉइस होती है पके हुए दूध का, बस भारी भारी मुझे पसंद नहीं है। चलो हम ब्लेंडर निकालते हैं और हम बनाते हैं जूस। चलो इग्नोर कर देगा मेरी आवाज़, क्या करूँ। एक दो तीन चार, हम 4 किलो का बनाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पीना, बर्गर भी है और भाभी को ज़रा शेक मेरे हाथ का ही पसंद है। बाय बाय, इसकी मामी जान जा रही है सफान उस्मान को ट्यूशन से लेने, और ये केला थोड़ा ख़राब है, इसको हम कर देंगे साले। ठीक है, ये हमारा आधा केला हो गया, 1.5 केला डाल चुके हैं हम, और साढ़े 2.5 किलो हो गए हैं। मैं आपको अंदाज़ा मुझे भी नहीं है, उसकी बात है जितनी ओवर एक्टिंग करी हुई है। सही, अब हमने 4 केले डाल दिए हैं इसमें, ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम थोड़ी ज़्यादा डाली थी। अच्छा भाभी, भाभी देख रहे हो कितने खुश नसीब हैं, उनको इतनी अच्छी नंदें मिली हैं, और हम भी खुश नसीब हैं, हमें इतनी अच्छी भाभी मिली हैं। नसीब वालों को मिलती है यार। काफ़ी क्लियर नहीं आ रही वीडियो वहाँ रखते हैं, चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको बैक कैमरा करके। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया फ्रेश क्रीम, चीनी, 1, 2, 3, 4 बहुत है, 4 ना। आप लोग अपने अंदाजे से डाल दिया, मैंने ब्लेंडर लगा दिया। अच्छा, हम लोग ब्लेंडर ही यूज़ करते हैं। फ्रिज भी बंद हो गया अचानक, एक हाथ से नहीं हो रहा, मोबाइल लग दूं फिर मिलते हैं सब कुछ कर।
फिंगर हटाओ, चलो अब ब्लॉगिंग करो, फिंगर हटाओ, बस चलो। नानी से डालती है। हाँ, जाने को मत लो, वो लो जूस लो। लो जाने, शेक निकाली है। नानी शेक निकाली है। और मेरे बेटे के लिए एक और सरप्राइज है। कौन सरप्राइज है बेटे के लिए? कैमरे से उंगली हटाओ। नहीं है। ओके, एक और सरप्राइज है। आइज़ क्लोज। कैमरे तो दिखाओ। फीलिंग्स हैप्पी बर्गर के साथ। बगैर बर्गर के नहीं जाने, लेकर आई हैं आपके लिए। ओके okay? सब तैयार है, सब खाएं तो मेरा बेटा क्यों नहीं खाएगा। मेरे बेटे का दूध भी तैयार है और बस ठीक है, हमारा टी टाइम है। हम जाके एंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ। हमारा आ गया है खाना और ये भाभी बैठी हैं। नहीं लिया ये सब महार अपना खाना खाने बैठ गए। ये सफान है, उस्मान वहाँ बैठे हुए हैं। चलो अब हम लोग एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको। कैसा है? अच्छा है, मज़ेदार। पूरा फिनिश करोगे आप? ये मेरा दूसरा बेटा बस जिसको मोबाइल देखना होता है, इतना नेट नहीं चल रहा है, बाबा से कार्ड डलवाते हैं बोल के। अच्छा बैठो, आप मैं लगा रही हूँ, बैठो। वो देखो मेरा मज़ेदार बेटा वहाँ है। माशाल्लाह। सो यहाँ हम करते हैं अपने व्लॉग की एंडिंग। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें। प्लीज मेरे नानी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बोलो बोलो। नानी के साथ तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह कल का व्लॉग।